हेलो एवरीवन, विश ऑल इन्वेस्टर्स अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। निफ्टी में काफ़ी उठापटक रही इस सप्ताह। हमने देखा कि बाजार मिड कैप स्मॉल कैप के क्षेत्र में अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, बट 16,200 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को होल्ड करते हुए लास्ट वीक की जो लोज थे अराउंड निफ्टी में एक अच्छा उछाल देखने मिला एंड टेस्टेड 16,500 लेवल्स। सो स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रही ड्यूरिंग द वीक और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस 0.5% नीचे बंद हुए। वीक ऑन वीक हम देखें तो सीनेक्स आईटी सेक्टर एक स्टार आउट परफॉर्मर रहा विथ 4% गेंस। मेटल्स में कंटिन्यू रहा प्रॉफिट बुकिंग का जोर, जो कि 2% नीचे बंद हुआ जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक। बैंक निफ्टी में भी अच्छा उछल रहा ऑलमोस्ट नियर टू 36,300 लेवल्स। सो ओवरऑल मार्केट्स हैव स्केल्ड एन ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी, तो यहाँ से थोड़े बहुत की प्रॉफिट बुकिंग की गुंजाइश हो सकती है अगले सप्ते, क्योंकि हम देखें तो फर्स्ट ऑर्डर के नतीजे ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे ड्यूरिंग द वीकेंड। और फर्स्ट ऑर्डर के नतीजे के इंडिविजुअल स्टॉक वाइज हमें रिएक्शन हमें देखने मिला। फार्मा सेक्टर में हम देखें तो काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल रहा, लुपिन और अरबिंदो फार्मा में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट किया और स्टॉक्स 5-10% की गिरावट में फार्मा सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया ऑलमोस्ट 3% वीक ऑन वीक। तो मार्केट्स एक नैरो रेंज और कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा, मे बी ऑन हायर साइड 16,600-650 रेजिस्टेंस रहेगा बिकॉज वो जो वीकली पिवट रेजिस्टेंस होगा। ऑन द डाउन साइड 16,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। बैंक निफ्टी और ऑटो सेक्टर में कंटिन्यूस सपोर्ट बना रह सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी अपने 52-week हाई को छूने से 4-4.5% दूर है नियर टू 37,700 लेवल्स। तो बैंक निफ्टी अभी भी कंटिन्यू रहे ओवरवेट रहने की क्षमता। ऑटो सेक्टर में हम देखें तो थोड़ी बहुत पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिली थी बट इतना कोई अपमूव नहीं आया। बट ऑटो सेक्टर में स्ट्रेपेज पॉलिसी की अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशंस के चलते थोड़ी पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिल सकती हैं। टू व्हीलर से नंबर्स से भी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी इंप्रूव हो सकते हैं क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा अगले सप्ताह से। तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर और बैंक्स में पॉजिटिव मूवमेंट बना रह सकता है। निफ्टी आईटी जो कि काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है, टीसीएस ऑलमोस्ट 52-week हाई पे, तो थोड़ी उसमें अपनी और भी बाकी रह सकता है। बट मिड कैप आईटी सेक्टर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। ओवरऑल निवेशकों तो बैंक्स, बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर में पॉजिटिव मोमेंटम बने रहने की क्षमता। आईटी में अभी भी थोड़ा अपनी बाकी है मे बी एट करेंट लेवल्स में, बट 16,650 के लेवल्स के आसपास निफ्टी रजिस्ट करेगा और वहाँ से हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है क्योंकि अराउंड 16,200-16,300 लेवल्स के आसपास है। सीपीआई के नंबर्स भी अनुमान के चलते नीचे आए हैं जिसके चलते बैंकिंग में पॉजिटिव मोमेंटम बना रह सकता है। और जिस हिसाब से हम देखें जो आईआईपी नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे तो इकोनॉमी इम्प्रूव हो रही है, बहुत सारे स्टेट्स में भी इकोनॉमी ओपन अप हो रही है और जिस हिसाब से फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है कंज्यूमर सेक्टर में भी हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल सकता है। आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर, ये दो शेयर्स हैं जो कि काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं कंपेरेटिव टू ब्रॉडर मार्केट्स में, तो इन दोनों शेयर में भी अच्छा उछाल देखने अगले सप्ताह मिल सकता है। धन्यवाद।